पानीपत में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी पर स्थानीय 8 गांव के लोगों ने विषैली गैस छोड़ने के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि रिफाइनरी से छोड़ी गई गैस से उनकी करीब 1600 एकड़ की फसल खराब हो गई है। इतना ही नहीं, लोग भी बीमार हो गए हैं। बरसीन जल गई है और गेहूं की फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। इससे गुस्साए स्थानीय निवासियों ने मुआवजे की मांग की। लोगों ने रिफाइनरी के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं डीसी कार्यालय में अपनी शिकायत भी दी, जिसके चलते रिफाइनरी ने लोगों और प्रशासन से 2 दिन का समय मांग कर मामले की जांच करने की बात कही है और यह समय सीमा शाम को समाप्त हो जाएगी। इसी बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए प्रशासन द्वारा गठित टीम भी गांव में पहुंची। इस टीम में खास तौर से कृषि विभाग के अधिकारी भी शामिल है। टीम ने बुधवार को गांव में पहुंचकर फसलों की जांच की। वहीं टीम ने जांच रिपोर्ट भी जल्द पेश करने की बात कही है। दूसरी ओर रिफाइनरी के अधिकारियों ने किसानों के आरोपों को आधारहीन बताया है और कहा है कि रिफाइनरी से कभी जहरीली एवं विषैली गैस नहीं निकलती है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।